पीलीभीत जनपद से जहां बाढ़ को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही, लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी कम हुआ, लेकिन शारदा नदी में पानी अभी भी 4 लाख क्यूसेक पानी अतिरिक्त आने से बाढ़ की आशंका बनी हुई, जिसे लेकर डीएम एसपी ने रात भर बाढ़ प्रभावित गांव में कैंप किया। एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पहुंच गए। प्राथमिक विद्यालय में हेलीपैड बनाया गया, हेलीकॉप्टर से इलाके का जायजा लिया गया। 6 गांव अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। नेकी की दीवार संस्था द्वारा पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें, कलीनगर, रामनगरा, पुछिया, ताल, महाराजपुर, बूंदी, भूड़, नौजिल्हा, चंदिया, हजारा कॉलोनी नंबर 6, राणा प्रताप नगर, नहरोसा, बरगदिया गाँव सबसे ज्यादा प्रभावित गाँव है। सर नौजलिया गांव पिछड़ जा, पिछड़ जा, जरा पिछड़ नौजलिया खुद ऊपर पूरा कभी करवा रहे हैं। हां ये लोग बनवा रहे हैं भाई, स्कूल अभी सुरक्षित है, हम स्कूलों में बनवा रहे हैं। हां और मंदिर इधर इधर वाले जो बताए गांव उनमें तो कहीं सुरक्षित नहीं बचेगा स्कूल भाई। क्या अगर ये ऊंचा आसमान देख करके कहीं बनवाएंगे तो पिछले 2 दिनों से जनपद में मूसलाधार वर्षा हो रही है और बनबसा भारत से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से जनपद के कलीनगर और पूरनपुर क्षेत्र में, खासकर शारदा पार के क्षेत्र में है, कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। तत्काल जितनी भी हमारी टीमें हैं, राजस्व की टीमें हैं, अन्य विभागों की टीमें हैं, उनको इन गांव में सक्रिय करा गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सभी टीमें हैं, रात भर सक्रिय रहेंगी। खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था सभी लोगों की कराई जा रही है और पूरी ही सिचुएशन पे लगातार निगाह रखी जा रही है और उसी के हिसाब से अलर्ट रह के कार्रवाई प्रशासन कर रहा है।